हेलो गाइस, वेलकम टू योगेंद्र पेंटिंग वर्क चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे हमारे साइट पे क्या क्या काम चल रहा है। इधर तेजराम साहू झूले पे बैठ के पुट्टी की घिसाई करते हुए, घिसाई के बाद इसमें हम लोग प्राइमर अप्लाई करेंगे, एक कोट प्राइमर फिर दो कोट कलर। अंदर साइड वाइट का फर्स्ट कोट मारते हुए दोस्तों, पेंट करने के समय इतना याद रखना, सेलिंग फाइनल करने के बाद ही दीवार का कलर चालू करना, वरना सेलिंग का छीटा दीवार पे आ सकता है। जब तक सेलिंग फाइनल ना हो फर्स्ट कोट सेकंड कोट, दीवार का कलर चालू मत करना। हमारे सभी भाई सेलिंग का दीवार करते हुए अब हम आपको दिखाते हैं बाहर, बिल्डिंग के बाहर बाउंड्री पे प्राइमर। इधर गोपी राम बाउंड्री वॉल पे प्राइमर मारते हुए आउटसाइड के लिए एक्सटीरियर प्राइमर ले, अंदर के लिए इंटीरियर प्राइमर। इधर हम लोग प्राइमर के बाद अब कलर चालू कर दिए हैं। इनसाइड डबल कोट सेकंड कोट कलर चालू वाइट, इसके बाद फिर हम लोग दीवार का कलर चालू करेंगे। इनसाइड दीवार का कलर चालू कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर डबल हो चुका है सीलिंग पे। ये देखो भाइयों, दीवार का कलर चालू हो गया है। इधर अजय कुमार साहू और मिथिलेश पटेल कलर करते हुए, आउटर पे भी हम लोग जहां प्राइमर किए थे वहां भी कलर चालू हो गया है, उसको भी हम लोग आपको दिखा रहे हैं। पेंट को रोलर से ही मारे, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, रोलर से मारने से फिनिशिंग अच्छा आता है। यहाँ पे प्राइमर मारते हुए अर्जुन साहू, अब अंदर ले चलते हैं अब आप लोगों को। सीलिंग डबल कोट और यहाँ पे रूम में कलर हो चुका है फर्स्ट कोट कलर, इसके बाद अपन सेकंड कोट चढ़ाएंगे इस पे ऊपर, 4 घंटा सूखने के लिए छोड़ देंगे इसको। दीवार को 4 से 6 घंटा सूखने के बाद इसमें अपन सेकंड कोट चढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।